स्मोक होता है। हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज हम डिस्कस करेंगे कि आप अपनी स्नाइपिंग स्किल्स को कैसे बढ़ा सकते हो, कैसे अपने रिफ्लेक्सेस को तेज कर सकते हो। तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दो यार, और बेल आइकन को दबा दो ताकि जो हमारे नए नए वीडियोस के अपडेट है वो आप तक पहुंचते रहे। तो बेसिकली मैं आपको 3 ड्रिल बताऊंगा जिससे आप अपने रिफ्लेक्सेस को तेज कर सकते हो। तो सबसे जो पहली चीज़ है वो है एम एडजस्ट। जब भी आप कोई शॉट लेते हो तो ये ज़रूरी है कि आप पहले अपना एम एडजस्ट कर लें, नहीं अगर आप एम एडजस्ट नहीं करोगे तो जैसे ये कोई बंदा है और आपको शॉट मार रहा है, तो आप अगर एम एडजस्ट करके नहीं मारोगे तो आप ऐसे खोलोगे स्कोप को, ये देखो ये टाइम लग जाएगा आपको, तब तक वो आपको शॉट करके नॉक कर सकता है या किल कर सकता है। तो जो बेसिक सी चीज़ है, आपका एम एडजस्ट होना चाहिए, जैसे ये है जिस पे भी आपको शॉट लेना है उसके पहले एम एडजस्ट कीजिए आप, क्योंकि स्नाइपिंग एक ऐसी चीज़ है जो आपकी एक्यूरेट होनी चाहिए, क्योंकि अगर सामने वाला आपसे बेहतर स्नाइपर हो गया तो आप नॉक हो सकते हो या किल भी हो सकते हो और आपकी टीम डेंजर में आ सकती है। तो जो बेसिक सबसे पहली हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एम एडजस्ट। अपने एम को एडजस्ट कीजिए, देखिए ये अपने एनिमी को स्पॉट करके उसके ऊपर अपना कर्सर ले जाने की ट्राई कीजिए, ये देखिए जितना आपका कर्सर उसके हेड पे होगा उतना आपको बेनिफिट होगा। तो ये तो थी पहली चीज़ कि आप अपने एम एडजस्ट कीजिए। तो सेकंड चीज़ है कि आपको एम एडजस्ट के साथ आपको स्कोप हेड पे ही खोलना है, ये ट्राई करना है आपको ये ट्राई करते रहना है कि आपका जो आप एम एडजस्ट कर रहे हो तो आप जब स्कोपिंग करोगे तो आपका स्कोप सीधा उसके एनिमीज के हेड खोलोगे तो आपको एडवांटेज रहेगा। आप जैसे ही एम एडजस्ट करके स्कोपिंग करोगे शॉट हेड बंदा नॉक या किल कन्फर्म। तो ये बेसिक चीज़ भी है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ भी है कि आपका स्कोप इसी पे खुलना चाहिए। आपने बड़े बड़े प्रो प्लेयर देखे होंगे जैसे अथीना, उनका भी यही तरीका है, वो अपने कर्सर को सीधा एनिमी के हेड के ऊपर खोलते हैं जिससे उनका रिएक्शन टाइम बहुत फास्ट हो जाता है और रिफ्लेक्सेस तेज हो जाते हैं, ये देखिए ऐसे। तो आपको भी यही ट्राई करना है कि आप जितना हो सके उतना हेड पे ही एम करें। आपको ये ड्रिल रोज़ करनी है, रोज़ अपने ट्रेनिंग सेशन में आइए और कम से कम 10 मिनट दीजिए, 15 दिन ट्राई कीजिए। उसके बाद अगर रिज़ल्ट ना मिले तो आप इसे चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप 15 दिन तक कंटिन्यू इसको करेंगे, चाहे 10 मिनट दीजिए, चाहे 15 मिनट दीजिए, चाहे 5 ही मिनट कीजिए, पर ज़रूर कीजिए, आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। तो जो तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा जो कई प्रो प्लेयर यूज़ करते हैं वो है फ्लिक। आपने देखा होगा कई प्लेयर को जो शो ऑफ भी करते हैं, एनिमी से दूर स्कोप खोलेंगे लेकिन हेड लेंगे, देखिए ये इसे कहते हैं फ्लिक। तो फ्लिक में होता क्या है, इसमें आपकी जो शॉट लेने की कैपेबिलिटी है वो तेज़ हो जाती है और इसमें बस एक्यूरेसी का ध्यान रखना होता है, क्योंकि इसमें कई बार चूक हो जाती है और ये क्लासिक मैच में ही काम आता है। इसमें बेसिकली होता क्या है कि जैसे आप अगर एनिमी के ऊपर स्कोप साइड में खुल रहा है तो आपको फ्लिक करना है उसके हेड की ओर, ड्रैग करना है, ये देखिए, चाहे आपका अगर लेफ्ट में खुल रहा है तो ये देखिए राइट की ओर ड्रैग करना है, अगर राइट में खुल रहा है तो लेफ्ट की ओर ड्रैग करना है, वैसे ही अगर ऊपर खुल रहा है तो नीचे की ओर ड्रैग करना है, अगर नीचे खुल रहा है तो उसे ऊपर की ओर ड्रैग करना है, ये देखिए ऐसे। तो आपको करना क्या है बेसिकली ड्रिल में, पहले तो आप ये माइंड में बिठा लीजिए कि फ्लिक से ज़्यादा बेटर होता है आपकी एक्यूरेसी जो आप हेड पे सीधा एम करके स्कोप इन करते हो। तो पहले ये ध्यान रखिए कि ये चीज़ तो होनी चाहिए कि आप हेड पे ही एम खोल रहे हो, ये देखिए ये, पर अगर बाई चांस आपका थोड़ा सा चोक हो जाए, साइड में निकल जाए स्कोप, तो आपको हल्का सा ड्रैग करना है लेकिन फास्ट में, और जैसे ही आपका हेड पे आएगा वैसे ही आपको शॉट लेना है, ये चाहे जहाँ मर्जी आए, बस ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप में कितनी तेजी है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो
आप इसमें भी मास्टर हो जाओगे। देखिए देखिए, राइट में खुलेगा चाहे लेफ्ट में खुले, फ्लिक, ये देखिए ये देखिए। अगर आप फ्लिक में भी मास्टर हो जाओ तो आप एक स्नाइपिंग में बहुत ही बढ़िया प्लेयर बन सकते हो, क्योंकि फ्लिक भी एक मेन चीज़ है जो, क्योंकि आपको कई बार ऐसा होता है कि आप एम एडजस्ट करने का आपके पास टाइम नहीं होता, आपको जल्दी एनिमी को गिराना होता है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट रहता है कि आप फ्लिक मारो। ये देखिए ये देखिए, तो अगर आप उसको कम से कम 15 दिन तक अगर रेगुलरली 5 या 10 मिनट करोगे तो आप स्नाइपिंग में मास्टर हो जाओगे। तो बस यार गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मेरे को बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। Ah!